राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी खुद तो एनडीए के साथ जाने की बात कह चुके हैं, लेकिन भाजपा की ओर से जयंत चौधरी को लेकर कोई भी बयान नहीं आया है। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता असमंजस में तो हैं ही कि आखिर होगा क्या। लेकिन इस बीच रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने एक जनसभा करने का फैसला तो किया है, वो भी बागपत लोकसभा क्षेत्र में। अब इस जनसभा से पहले भाजपा रालोद गठबंधन का ऐलान होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि भाजपा और रालोद में सीटों के बंटवारे, मंत्री पद और एमएलसी को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। खैर, सवाल ये है कि आखिर कब तक भाजपा जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल करती है। भाजपा और रालोद गठबंधन को लेकर चल रही चर्चा के बीच जयंत चौधरी 1 मार्च को मोदीनगर आ रहे हैं। वह मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा पतला में शहीद विनोद स्मारक गेट का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदीनगर विधानसभा बागपत लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। कार्यक्रम की तैयारी में रालोद नेता और कार्यकर्ता जुटे हैं और मीटिंग भी की जा रही है। अगर भाजपा से गठबंधन का ऐलान नहीं होता है तो जयंत चौधरी क्या ऐलान इस जनसभा में करेंगे, क्या कुछ बोलेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि भाजपा से लगातार बात हो रही है और सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा मुजफ्फरनगर और मथुरा सीट रालोद को देने के लिए अभी तक बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि देर सवेर कुछ न कुछ सहमति तो बन ही जाएगी। बताया जा रहा है कि 24 फरवरी यानी कि आज जयंत चौधरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। खैर, 25 फरवरी को जयंत चौधरी मथुरा में विधायक दल के साथ बैठक करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी अहम है। जानकारी के अनुसार 25 फरवरी को ही रालोद के विधायक लखनऊ पहुंच जाएंगे, क्योंकि 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग होती है।